हमारे देश में कहा जाता है भले 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं। फिर क्यों पिछले 8 सालों से एक निर्दोष हिंदू संत जेल में है? लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नो रेप, लड़की के 13 डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग शी इज मेजर। चाहे उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, उसका राशन कार्ड हो, उसका स्कूल सर्टिफिकेट हो, उसके स्कॉलर सर्टिफिकेट्स हो, इनोकुलेशन सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, उस सब में लड़की मेजर है। फिर क्यों पोस्को एक्ट का मिसयूज करके एक निर्दोष हिंदू संत को फंसाया? क्यों क्यों लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई जबकि लड़की तो मेजर है, मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप ही नहीं? फिर क्यों क्यों आखिर क्यों? हम जानना चाहते हैं क्यों एक निर्दोष हिंदू संत को प्रताड़ित किया जा रहा है एक झूठे केस में? क्यों क्यों आखिर क्यों?